Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Headline news के लिए हमारे साथ तावुन किया है। नया सर्फ एक्सेल जो दे मुश्किल दागों की 100% सफाई ज्यादा तेज। लाहौर में आजादी कप का मैदान सज गया। खजाफी स्टेडियम आज शाम इंटरनेशनल क्रिकेटर से जगमगाएगा। जज्बों की गरज चमक के साथ होगी छक्कों चौकों की बरसात। सरफराज 11 और डुप्लेसी 11 जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। छह मैच खेलेंगे, ब्यूटी सलून में कटिंग करा ली, खिलाड़ियों को रिक्शे पर स्टेडियम की सैर भी कराई जाएगी। जो वलोला है वो ना सिर्फ स्टेडियम में बल्कि घरों में भी और गली कूचों में भी लोग बड़ी बड़ी एलईडी लगा करके वो मैच देखेंगे और एंजॉय करेंगे। वर्ल्ड 11 जो इधर आई है वो एक बहुत ही अच्छा काम है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के जो शौकीन हैं उनके लिए। क्या आवाम और क्या सियासतदान, सभी मैच देखने के लिए बेताब। कजाफी स्टेडियम के दरवाजे चंद मिनट बाद शायकीन के लिए खुल जाएंगे। टिकट और शनाख्ती कार्ड लाजमी लाएं वरना मैच देखने से महरूम हो जाएंगे। लाहौर में सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल, 19 SPs, 45 DSPs और 6000 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर। स्टेडियम के अतराफ 4 दर्जाती सिक्योरिटी हिसार कायम, किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने की मशक। लाहौर में ट्रैफिक प्लान भी तैयार। बरकत मार्केट, एफसी कॉलेज, लिबर्टी मार्केट समेत 8 मकामात पर बनी पार्किंग साइट से स्टेडियम तक शटल सर्विस चल पड़ी। होटल के सामने माल रोड ट्रैफिक के लिए बंद। पनामा फैसले पर नजरसानी के लिए चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी लाजर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाज हसन बेंच में शामिल। बेंच की तश्कील के लिए शरीफ फैमिली ने दरख्वास्त की थी। शरीफ खानदान और इसाक डार के खिलाफ नैब के रेफरेंसेज में गलतियों का इंकशाफ। एहतसाब अदालत ने 4 रेफरेंस नैब को वापस कर दिए। गलतियां दूर की जाएं, रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत की हिदायत। सवाल यह है कि रकम बराए रास्त इमरान खान के अकाउंट्स में क्यों नहीं आई। इमरान खान ने कर्ज की रकम टैक्स गोशवारों और कागजादी नामजदगी में जाहिर नहीं की। बनीगाला जायदाद तोहफे में देने और तोहफा वसूल करने का डिक्लेरेशन कहाँ है। इमरान खान नहली केस में जजेस के नईम बुखारी से कड़े सवालात। जायदाद तोहफे में देने से मुतालिक डिक्लेरेशन नहीं है, नईम बुखारी का एतराफ। दस्तावेजात जमा कराने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि आर्टिकल 62 AF के तहत नाअहली ताहयात है या 5 साल की है। इमरान खान नाअहली केस में हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख का जजेस से मुकालमा। पनामा फैसला बाप बेटे से मुतालिक नहीं बल्कि अवामी ओहदा रखने वाले के अवामी पैसों से मुतालिक है। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स समाज 26 सितम्बर तक मुलतवी। इतने रंग तो गिरगिट नहीं बदलता जितने इमरान खान मौकफ तब्दील करते हैं। पेशावर में लोग डेंगू से मर रहे हैं मगर इमरान खान को नजर नहीं आ रहा। हनीफ अब्बासी और मोहसिन रांझा की तरफ। इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के फंड्स की तहकीकात और इंतखाबी निशानात वापस लेने का हुक्म दिया जाए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून गैर मुल्की फंडिंग लेने वाली जमातें हैं। दोनों जमातों ने अमरीका में फॉरन फंडिंग के लिए निजी कंपनी से मुआहदे कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर पीपल्स पार्टी की दरखास्तों में मौकफ।
भारी भरकम बारात मगर इजलास में अरकान की अदम दिलचस्पी। कौमी असेंबली में कोरम का मसला खड़ा हो गया। इजलास कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। चंद सुखरात और बुखरात आवाम में मायूसी फैला रहे हैं। आईजी सिंध और सूबाई हुकूमत में वर्किंग रिलेशन बेहतर हो जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में सिविल अस्पताल सानहे क्वार्टर्स खुद नोटिस केस की समाअत। मुतासरीन की बहाली से मुतालिक बलोचिस्तान हुकूमत की रिपोर्ट अदालत में जमा। पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट की भी सताइश। सानहे क्वार्टर की तहकीकात मुकम्मल करके जल्द ट्रायल शुरू करने की हिदायत। समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। रावलपिंडी में चक्री इंटरचेंज के करीब वैन और ट्रेलर में हौलनाक तसादुम। हादसे के बाद वैन में आग लग गई। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक हादसे में 4 बच्चों समेत 14 अफराद जांबहक और 5 जख्मी हुए। कराची के इलाके मलीर में भी ट्रक और वैन आपस में टकरा गए। हादसे में 6 अफराद लुकमा अजल बन गए, 3 जख्मी। पिशावर में डेंगू वायरस काबू में न आया। तहकाह में पूरा घराना डेंगू वायरस में मुब्तला। नूर मोहम्मद के 5 बेटे और बहू में वायरस की तस्दीक। इलाके वालों को हुकूमत से इलाज और इमदाद का मुतालिबा। हाइड्रोजन बम के तजुर्बे के बाद शुमाली कोरिया के खिलाफ नई पाबंदियां अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। शुमाली कोरिया की तेल की दरामदात को महदूद कर दिया गया। टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात पर पाबंदियां। म्यांमार हुकूमत रोहिंग्या मुसलमानों को वापसी का महफूज रास्ता दे और सूरत हाल का सामना तहम्मुल से करे। बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद का मुतालिबा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कहती है म्यांमार में हालिया बुरान पर तशवीश है। रोहिंग्या मुसलमानों पर तशद्दुद फौरी रोका जाए। पाकिस्तानी समुद्री हदूद में जीवानी के करीब नायाब तरीन स्पर्म वेल आ गई। मछेरों ने वीडियो बना ली। बड़ा और गोल माथा इस वेल की खसूसी पहचान है।